मैं आपको बिल्कुल ढाबा स्टाइल बहुत ही ज्यादा टेस्टी गोभी आलू मटर की सूखी सब्जी बनाना बताती हूँ। कैसे बनाई जाती है ये खाने में तो टेस्टी होती है, बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाती है, जो कि आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। आप इस सब्जी को लंच बॉक्स में भी बना करके ले जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सब्जी बनाने के लिए ये हमने 3 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए, जिसे छील करके लंबे पीस में काट लिया है। आप आलूओं को किसी भी शेप में काट सकती है। 250 ग्राम फूल गोभी, 3/4 कप बॉइल मटर, आप इसकी जगह फ्रोजन मटर या फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम सब्जी के लिए सबसे पहले मसाला बना लेते हैं। इसके लिए ये हमने 1/2 कप फ्रेश दही लिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल देते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कमियां ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से मसाला बना के जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अब ये मसाला दही में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मसाले को साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, जो हमने आलू लिए थे वो हम ऑयल में डाल देते हैं। अब हम आलूओं को मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 80% तक सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। इस तरीके से जब हम आलूओं को भून करके सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। अब ये आलू भुन गए हैं, आप देख पा रहे हैं आलू गोल्डन कलर के हो गए हैं और आलू के ऊपर क्रिस्पी सी कोटिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए हम फॉक को अंदर डाल रहे हैं तो देखिए ये जा रहा है, इसका मतलब ये 80% तक बॉईल हो गए हैं। अब हम इन आलूओं को निकाल लेते हैं। अब हम आलूओं को प्लेट में इस तरीके से करते हुए निकाल लेते हैं, इनके अंदर जितना भी ऑयल होगा वो निकल जाएगा। ये हमने सभी आलूओं को निकाल लिया है। अब जो कढ़ाई में ऑयल बचा है उसी में हम गोभी को डाल देते हैं। अब हम गोभी को भी बिल्कुल उसी तरीके से भून लेंगे जैसे हमने आलूओं को भुना है। अब ये गोभी भी भुन गया है और सॉफ्ट हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। ये हमने दोनों चीजों को भून के तैयार कर लिया है। चलिए अब सब्जी बना लेते हैं। अब हम इसी ऑयल में सब्जी बना लेते हैं। अगर आपको ऑयल ज्यादा लग रहा है तो आप निकाल भी सकते हैं। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून राई डाल देते हैं। राई को तड़कने देते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा, 2 चुटकी हींग। अब सभी चीजों को भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें भुन गई हैं। ये मीडियम साइज की प्याज ली जिसे छोटे पीस में काट लिया है वो डाल देते हैं। अब प्याज को हल्के गोल्डन कलर का भून लेते हैं। इसी प्याज के संग 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, वो भी प्याज के साथ भून जाएगा। अब सभी चीजों को मीडियम फ्लेम पे हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते हैं। अब ये प्याज हल्के गोल्डन कलर की भुन गई है। अब जो हमने मसाला बनाया था वो डाल देते हैं। मसाले को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बॉल में जो मसाला लग रहा था उसमें हमने 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। अब इस पानी को भी इसी के अंदर डाल देते हैं। अब मसाले को ऑयल सेपरेट होने तक भून लेते हैं। अब ये मसाला भुन गया है, मसाले में से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए जिसे दरदरा पीस लिया है वो डाल देते हैं। टमाटर को मिक्स कर देते हैं। अब इसमें नमक डाल देते हैं, नमक टेस्ट के अनुसार। अब टमाटर को भी मसाले के साथ 2 से 3 मिनट करीब भून लेते हैं। अब ये टमाटर भी भुन गया है। ये हमने 2 से 3 हरी मिर्च ली है वो डाल देते हैं। आप अगर कच्ची मटर का इस्तेमाल करें तो आप इसी स्टेज पे मटर डाल करके 4 से 5 मिनट के लिए पका सकते हैं। अब जो हमने गोभी और आलू भुने थे वो डाल देते। मटर इसे भी डाल देते। ये हमने 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया जिसे हमने मोटे मोटे पीस में काट लिया वो डाल देते। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते।
अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब सब्जी को ढक देते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। जितनी भी सब्जी के अंदर कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी। 5 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये सब्जी भी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देते हैं, उससे सब्जी के अंदर फ्लेवर अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई है। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। और इस सब्जी को इसी तरीके से चलाते हुए 1 मिनट करीब और भून लेते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाएगा। 1 मिनट करीब हो गया है, अब ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। अब मैं आपको गोभी को भी दिखा देती हूँ। हम गोभी को दबा रहे तो इजिली दब रहा है, इसका मतलब गोभी भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया गोभी आलू मटर की सब्जी बनके तैयार हुई है। आप इस सब्जी को पूरी, पराठे, चपाती आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये सभी के साथ खाने में टेस्टी लगती है। आप इस सब्जी को बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि ये सब्जी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये सब्जी ढाबे की सब्जी से भी ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी सब्जी भी बिल्कुल ऐसी ही टेस्टी बनके तैयार होगी। आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।